कोहरे के दौरान भी ट्रेनों के संचालन में कोई बाधा ना आए, इसके लिए सभी ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस लगेगी। यह डिवाइस सिग्नल से 500 मीटर पहले ही लोको पायलटों को सतर्क कर देती है। इस डिवाइस के लगने के बाद ट्रेनों को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जा सकता है, जबकि बिना इस डिवाइस के अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाती है। हर साल दिसंबर और जनवरी में घने कोहरे के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित होता है। कई बार सिग्नल दिखाई नहीं देने की वजह से हादसों को भी आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाली सभी गाड़ियों के इंजनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों, क्रॉसिंगों और सिग्नलों पर पारंपरिक नियमों और संसाधनों को चालू रखा जाएगा। आपको बता दें कि फॉग सेफ डिवाइस एक बैटरी ऑपरेटेड यंत्र होता है जिसे ट्रेन के इंजन में रखा जाता है। इसमें जीपीएस की सुविधा होती है। इस यंत्र में एक वायर वाला एंटीना होता है जिसे इंजन के बाहरी हिस्से में फिक्स कर दिया जाता है। यह एंटीना इस डिवाइस में सिग्नल को रिसीव करने के लिए लगाया जाता है। इस संबंध में सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि कोहरे में ट्रेनों के संरक्षित व सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने हेतु सभी सावधानियां अपनाई जा रही हैं। सभी ट्रेनों लोकोमोटिव में फॉग सेफ डिवाइस लगाई जा रही है। यह एक जीपीएस आधारित डिवाइस है। इसके माध्यम से लोको पायलट को सिग्नल की जानकारी पूर्व में ही मिल जाती है। इसके फलस्वरूप कोहरे में ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इस डिवाइस के बिना अथवा इसके लगने के पूर्व अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती थी। इसके बारे में है, ये सिग्नल का लोकेशन बताते हैं ये, और एस्ट्रक्ट ने बताते हैं सिर्फ ये दूरी बताते हैं कितना दूरी पे सिग्नल आ रहा है। जैसे भी मिल गया ये स्टार्टर मिल गया, स्टार्टर मिले ये सिर्फ बताएंगे दूरी की कितना दूरी पे ये मेरा लगा हुआ है। ठीक 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 ओके ओके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, अभी जैसा मैंने बताया कि हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं, लगभग 1057 डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो जो भी हमारे सेक्शन में ट्रेन चल रही है, जो भी ट्रेन चल रही है, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो, पैसेंजर ट्रेन हो, मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो, सभी में हम लोग इसको लगा रहे हैं और हमारे पास स्पेयर्स भी मौजूद हैं। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी भी ट्रेन में ये डिवाइस अवेलेबल ना हो। तो सभी जो भी ट्रेन है हमारे पास, सभी में, सभी के लोकोमोटिव्स में इस डिवाइस को दिया जा रहा है। डिवाइस लगते ही इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। जैसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि पहले जब फॉग पड़ता था उस समय जो परमिटेड स्पीड थी चलने की वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की थी, लेकिन इस डिवाइस के लगने के बाद उस स्पीड को बढ़ा के 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर दिया गया है। जैसा कि सभी को पता है कि सेक्शनल स्पीड हमारी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है। इन विंटर टाइम में कैपेसिटी घट जाती है क्योंकि अधिकतम स्पीड पर कैप लग जाता है, सिग्नल की दृश्यता फॉग में नहीं रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस डिवाइस को लाया गया, जिसकी वजह से जो जहां पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल पाती थी फॉग में, अब वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पा रही है।